नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज। मैं हूं प्राजी सिंह आपके साथ। बता दें, जहां नियोजित शिक्षक आज विधानसभा को घेरने में लगे थे, राजकर्मी दर्जा के लिए उन्हें सक्षमता परीक्षा देना था, लेकिन सक्षमता परीक्षा वो नहीं देंगे। इसके लिए जोर हंगामा और बैठकें की। तमाम जो बिहार के 3.5 लाख शिक्षक हैं, वो विधानसभा को घेरने में लगे हैं। जब शिक्षा मंत्री, जो कि नए शिक्षा मंत्री हैं विजय कुमार चौधरी, से जब पत्रकार सवाल करते हैं कि सक्षमता परीक्षा नियोजित शिक्षक नहीं देंगे, तो उन्होंने कहा, और घेरने की बात जब पत्रकार करते हैं, तो उन्होंने साफ तौर पे कहा, शिक्षक को घबराने की जरूरत नहीं है और नौकरी की जहां तक की बात है, इस पे बात विमर्श किया जाएगा और नौकरी नहीं जाएगी। क्या नए शिक्षा मंत्री ये बदलाव कर पाएंगे? आगे क्या कुछ कह रहे हैं शिक्षा मंत्री, पहले उनकी बातों को सुनिए। सक्षमता परीक्षा को लेकर नियोजित शिक्षक विरोध प्रदर्शन आज घेराव करेंगे बिहार विधानसभा का। विधानसभा तो एक हाफ चल लिया, तो अभी आएंगे कुछ देर में, कह रहे हैं लाखों लाख परीक्षा। अब लाखों लाख कर रहे हैं तो वो तो आप दिखा दीजिएगा। अगर लाख आएंगे, क्या सरकार विरोध हो रहा है इस पर? क्या करें इस पे? कोई सक्षमता परीक्षा का विरोध कर रहे हैं वो लोग कि हम परीक्षा नहीं देंगे, हमारा ट्रांसफर दूसरे जगह नहीं हो पाएगा, हमको बिना शर्त राजकर्मी का दर्जा दिया जाए। बिना शर्त तो देने की कभी बात नहीं ना थी, बिना शर्त देने की बात थी। लगता है कि ये सक्षमता परीक्षा बोली जा रही है, और ये भी नहीं है कि सक्षमता परीक्षा नहीं पास करेंगे तो उनकी नौकरी नहीं रहेगी, इस संबंध में अंतिम निर्णय नहीं हुआ है। ये तो आप ही लोगों ने बताया है कि एक कमेटी ने अनुशंसा की है, और अभी हमारे ख्याल से शिक्षकों को इतना हड़बड़ाना नहीं चाहिए, इसलिए कि अभी तो सरकार का अंतिम निर्णय हुआ नहीं है। सरकार ने नियमावली में कहा था कि हम इसके बारे में कमिटी से जांच कराएंगे या जो विभाग में इस पर निर्णय हो, और विभाग ने एक कमिटी बनाया, उसने अपनी अनुशंसा दी, लेकिन अभी निर्णय नहीं हुआ है। और क्या अनुशंसा है मुझे अभी ये पता नहीं है, और निश्चित रूप से हम लोग देखेंगे। और जो शिक्षकों का हित है, शिक्षकों का जो पक्ष है, वो भी जरूर सुनी जाएगी, लेकिन इस माने आंदोलन करने से तो किसी समस्या का समाधान नहीं होता है। अपनी बात कहेंगे, सरकार विचार करेगी, और सबसे बड़ी बात है कि वे उन बातों को लेके अभी प्रदर्शन कर रहे हैं जिसके बारे में अंतिम फैसला नहीं। ठीक ठीक तो आपने साफ तौर पे सुना विजय कुमार चौधरी, जो कि नए शिक्षा मंत्री, वो साफ तौर पे कहा है कि नियोजित शिक्षक के अगर नौकरी जाने की बात है तो उस पर बात विमर्श होगा और उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है। क्या लगता है, नियोजित शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा अगर नहीं पास करते हैं तो उन्हें नौकरी से हाथ धो लेना होगा? क्या ये बदलाव होगा? क्या नए शिक्षा मंत्री के आने से क्या कुछ, अगर जिस तरीके से विधानसभा को घेरने में लगे हैं शिक्षक, क्या उन्हें शिक्षा मंत्री कुछ बड़ा अपडेट दे सकते हैं? ये देखना काफी दिलचस्प होगा। तो ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहे देशवा न्यूज़। धन्यवाद।